बचा हुआ है फूल हो गया। हाँ कुछ लोग हमारे साथ में गड़बड़ किए हैं, बहुत अच्छी बात है, बुजुर्ग है और अभी से करा रहे हैं। कब से कह रहे हैं? जब 2017 में हम हटे थे तब भी यही बात कह रहे थे, अभी भी यही बात कह रहे हैं। कुछ कहने के लिए है नहीं ना, कुछ भी कहेंगे तो ठीक अच्छी बात है, कराएं किस बात का डर। ईडी और सीबीआई कर रही है, उससे बड़ा एजेंसी है क्या इनका? ईडी और सीबीआई से बड़ा एजेंसी है क्या इनके पास? करे अच्छी बात है। महेश मंच पर नहीं गए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में और वो कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं जो महागठबंधन के कैंडिडेट। देखिए हम पहले भी कहे थे कि 2024 खत्म होते होते उनकी पार्टी खत्म हो गई और ये आप लिख के लेंगे गारंटी, मोदी का नहीं तेजस्वी का लिख लीजिए। और जो पहला दो फेज का जो चुनाव हुआ एक तरफा हुआ आरजेडी के पक्ष में महागठबंधन के पक्ष में, और ये वाला जो फेज है इसमें तो बीजेपी के होश नींद सब उड़ चुके हैं। और हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि इतना अच्छा रिस्पांस सब जाति सब धर्म का अब तक लोकसभा के चुनाव में हमने नहीं देखा, जिस हिसाब का रिस्पांस मिल रहा है। हम कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरी तरीके से अब श्योर हो चुके हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, बिहार में इंडिया का सफाया और केंद्र में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी जी एक अपील है, सवाल है, तेजस्वी जी की रैली थी यूपी में, वहां भी आपको बात उन्होंने किया कि बिहार में है कि पीर ज्यादा मतलब बुजुर्ग पीर ज्यादा है, उसमें हमको जो है शहजादा कह रहे सामने, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? सामने ठीक है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप पीर ज्यादा हैं, झूठ ज्यादा है सच कम है, मुद्दे की बात नहीं करते बेकार की बात करते हैं, और कोई बात तो है नहीं। एक नौकरी रोजगार पलायन गरीबी महंगाई ये असंभव है, हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल गया असंभव है। अनंत सिंह को आज पेरोल पे बाहर छोड़ा गया है 15 दिनों के लिए, संत लोग को छोड़ा गया है चुनाव में, हम लोगों के साथ थे तो गुंडा थे, अब तो चुनाव का घड़ी है संत लोगों को छोड़ा जा रहा है, हार का डर है ये, दीज आर द साइंस, इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा है ना, कितना दिन के लिए छोड़ रहे हैं? 15 दिन, तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा एक दो फेज का, हालत टाइट है, किसको किसको बुलाना है बुला ले। और एक सवाल और है, तेजस्वी जी